हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द बैक इन बार्ले एलॉन सेल्स सिंपली कैसे एक जर्मिनेटिंग uh, सीड uh, में एलोरॉन लेयर से स्टार्च हाइड्रोलाइज होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है इसके लिए कुछ सिग्नलिंग पाथवेज़ होते हैं uh, जिसे uh, जिब्रेलिक एसिड एम वाई बी पाथवे हम कह सकते हैं सो so, इट uh, इन्वॉल्व जिब्रेलिक एसिड वन सो इट इज़ जिब्रेलिक एसिड वन एट द वेरी लेफ्ट साइड ऑफ द बॉटम हेयर इट इज़ अ रिसेप्टर ऑफ जिब्रेलिक एसिड वन जी ए वन रिसेप्टर इट इज़ वेयर जी टी पी इज यूटिलाइज सो इससे एक सेकेंडरी मैसेंजर मॉलिक्यूल बनता है जिसे सी जी एम पी सिग्नल पाथवे कहते हैं Uh, the cell surface ga receptor complex interacts with heterotrimeric g protein initiating two separate uh, signal transduction chains. first, a calcium-dependent pathway involves cgmp. this yellow spot at the left side shows uh, the cgmp pathway, in, uh, which initiates uh, the transduction in circular manner. The other is the activation of F-box protein, which is the part of an SCF ubiquitin ligase complex. Now, next, uh, gibberellic acid one may also enter directly and bind to the alternate receptor protein, which is located mainly in uh, the nucleus. The activated F-box protein binds with a. Dela domain, dela domain here it is, uh, in green color inside the nucleus, it is a dela domain. So, uh, cGMP binds to the dela domain. The yellow color uh, line shows how it moves inside the nucleus, which uh, block the transcription of gibberellic acid MYB genes. That is simply MYB genes. The deladomine repressor uh, may be uh, blocking the activity of transcriptional activators. It uh, then what uh, block the activity of transcriptional activator. The repressor is uh, degraded via SCF ubiquitin ligase complex. Now what happens to the next step the degradation of the repressor allows the expression of GAMYB that is gibberellic acid MYB and other early response genes so यहाँ पे MYB gene uh, activate हो जाती है अभी अपना response करती है जिसकी वजह से uh, क्या होता है कि mRNA बनता है MYB के लिए और फिर ये MYB जो है ये न्यूक्लियस के बाहर निकलता है राइबोसोम पे यह ग्रीन कलर की लाइन से शो किया गया है राइट साइड में ऊपर देखिए एटीएस एस राइबोसोम फिर वहाँ पे एम वाई बी जीन जो एम आर एन ए है उससे एम वाई बी प्रोटीन बनती है वो प्रोटीन फिर से न्यूक्लियस के अंदर एंटर करती है और फिर एम आर एन ए बनाती है अल्फ़ा अमाइलिस के लिए सो द प्रोसेस इज लाइक दिस Uh, the newly synthesized uh, gamyb protein enters the nucleus and uh, binds the promoters of alpha amylase and genes encoding other hydrolytic enzymes like alpha amylase which is essential for the hydrolysis of uh, alluron layer now ट्रांजेक्शन ऑफ दीज जीन्स इज एक्टिवेटेड अल्फा अमाइलिस एंड अदर हाइड्रोलेस आर सिंथिसाइज ऑन द रफ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम यह नीचे की ओर न्यूक्लियस uh, के ठीक नीचे वाला पोर्शन जहाँ पे एम आर एन ए फॉर अल्फा अमाइलिस है नाउ इट मूव्स टू द आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस एट रफ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम जिनसे कि अल्फ़ा अमाइलिस बनने स्टार्ट हो जाते हैं वेसिकल्स विद अल्फा अल्फामाइलेज एंड स्टार्च इज हाइड्रोलाइज इनटू नाउ ग्लूकोज सो प्रोटीन्स आर सिक्रेटेड बाय दगोलॉजी कॉम्प्लेक्स एंड द सिक्रेट पाथवे रिक्वायर्स जुबरेलिक एसिड स्टिमुलेशन ऑफ कैल्शियम पाथ डिपेंडेंट पाथवे सो दिस इज द बायो केमिस्ट्री इन साइड द बार्ले एलॉन लेयर और इस तरह से जर्मिनेटिंग सीड को एनर्जी मिलती है यहाँ से ग्लूकोज़ uh, मिल जाता है ये अल्फा अमाइलेज़ क्या करता है स्टार्च uh, को हाइड्रोलाइज कर देता है और उससे ग्लूकोज़ फॉर्मेशन करता है जिससे कि फिर एनर्जी मिलती है और एम्ब्रियो ग्रो करता है थैंक यू